हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि पार्लियामेंट के अंदर यूज होती हैं। तो सम इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री टर्म्स आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री टर्म है वो होती है एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन क्या होता है? एडजॉर्नमेंट मोशन के अंदर ये जो होता है लोकसभा के अंदर होता है, इसके अंदर जो हम जो भी हमारी डिस्कशन चल रहा होता है लोकसभा के अंदर, हम सारे मैटर को सेट असाइड कर देते हैं और एक इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के अंदर होता है, वो एक पर्टिकुलर मैटर होता है। और जो एडजॉर्नमेंट मोशन होता है इसके अंदर जो हम एक पर्टिकुलर मैटर के ऊपर डिस्कस करते हैं वो कम से कम 2.3 आवर्स का होता है, मतलब 2.5 घंटे का होता है। और एडजॉर्नमेंट मोशन लाने के लिए कम से कम 50 पार्लियामेंट्री मेंबर्स की वोटिंग चाहिए होती है। और अगर यही चीज राज्यसभा के अंदर होती है तो उसको हम कॉलिंग अटेंशन बोलते हैं। उसके बाद हमारा होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है इसके अंदर क्या होता है, जो मेंबर ऑफ लोकसभा सीक्स नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीजेस, मतलब कि जो गवर्नमेंट होती है वो गिर जाती है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है। तो इसके अंदर हम चेक करते हैं कि जिसकी गवर्नमेंट है वो पार्टी अभी भी मेजोरिटी में है या नहीं है। तो और जो होता है इसके अंदर ये जो होता है ये एंटायर कैबिनेट के अगेंस्ट होता है, और जो होता है इसके लिए रीजन कोई स्पेसिफाइड नहीं होता, और जो सारे के सारे मिनिस्टर होते हैं वो रिजाइन कर देते हैं। इसमें और सेंशर मोशन जो होता है दोनों में डिफरेंस होता है। सेंशर मोशन के अंदर रेजिग्नेशन नहीं होती मिनिस्टर्स की और सिर्फ डिसअप्रूवल शो होती है, और ये पूरी की पूरी कैबिनेट के अगेंस्ट भी हो सकता है और एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हो सकता है। और इसके अंदर रीजन स्पेसिफाई करना होता है, इसके अंदर रीजन स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है और एंटायर मिनिस्टर्स के अगेंस्ट होता है। उसके बाद आता है हमारे और चार टाइप के मोशन होते हैं। तो फर्स्ट उसके अंदर क्लोजर मोशन, प्रिविलेज मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स। तो क्लोजर मोशन क्या होता है, ये वर्ड से पता चलता है। इसके अंदर क्या कहते हैं कि जो डिस्कशन चल रही है उसको रोक दो, बहुत टाइम हो गया उस डिसीजन को करते हुए, अब उसके ऊपर वोटिंग कर लो। तो जो क्लोजर मोशन होता है ये भी 3 टाइप का होता है। इसके अंदर सबसे पहले होता है सिंपल क्लोजर। सिंपल क्लोजर मतलब जो डिस्कशन चल रही है उसको रोको और वोटिंग करो। उसके बाद आता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है कि हम अलग अलग कंपार्टमेंट बना देते हैं, किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से उसके ऊपर डिस्कशन करके वोटिंग करते हैं। और कंगारू क्लोजर के अंदर क्या होता है, सिर्फ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं, उनकी वोटिंग करते हैं, जो बेकार की चीज होती है उनको छोड़ देते हैं। तो ये हमारा क्लोजर मोशन होता है। उसके बाद आता है हमारा प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन के अंदर क्या होता है कि अगर कोई मिनिस्टर कोई भी एमपी अगर कोई भी प्रिविलेजेस बेकार की यूज कर रहा होता है, पावर्स को यूज कर रहा होता है, तो हम पार्लियामेंट के अंदर उसके अगेंस्ट मोशन लेके आते हैं कि ये इसको यूज करना बंद करे। उसके बाद आते हैं कॉलिंग अटेंशन। कॉलिंग अटेंशन जो है ये 1954 के अंदर यूज हुआ था, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी मेंशन है, जीरो ओवर की तरह ही होता है। जीरो ओवर फर्स्ट टाइम 1962 के अंदर यूज हुआ था, और उसका कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वर्ड मेंशन नहीं है जीरो ओवर जो होता है। तो जीरो ओवर्स क्या होते हैं, जीरो ओवर्स के अंदर जो होता है ये बिल्कुल क्वेश्चन ओवर के बाद आता है। इसके अंदर हमने पहले से डिसाइड नहीं कर रखा होता कि हमें किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना है। तो सिमिलरली ऐसी कॉलिंग अटेंशन होता है, जो भी इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं उसके अंदर डिस्कस करते हैं। उसके बाद होता है मोशन ऑफ थैंक्स। मोशन ऑफ थैंक्स जो होता है, हमें पता है कि जो पार्लियामेंट होती है वो 3 सेशन के अंदर चलती है। एक होती है बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तो बजट सेशन होने से पहले जो है पार्लियामेंट जो प्रेसिडेंट होता है वो कुछ बातें करता है, तो हर एक साल वो जो बात बोलता है बजट सेशन से पहले उसको पास कराया जाता है। देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट है उसकी मेजोरिटी है या नहीं है। तो वो जो फर्स्ट टाइम जो पास होती है चीज जो प्रेसिडेंट ने कही थी उसको हम मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं, हर एक साल पास होता है। उसके बाद एक होता है नो नो डे येट नेम्ड मोशन, मतलब कि जिसके लिए स्पीकर कहता है ठीक है जब टाइम आएगा मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा, इसको रख लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ, जिस दिन डेट स्पेसिफाई नहीं होती उसी को जिस दिन टाइम मिलेगा हम उसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। उसके बाद एक वर्ड आता है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, लोकसभा ड्रॉस फंड्स इन एडवांस। वो पहले से कुछ फंड जो नॉर्मल बिजनेस नॉर्मल काम करने के लिए नॉर्मल कंट्री को चलाने के लिए कुछ फंड्स ले लेता है। ये मेनली 2 महीने के होते हैं, और जिस साल इलेक्शन होते हैं उस साल ही उससे ज्यादा टाइम के हो सकते हैं।